वहीं पीएम मोदी 24 अप्रैल को विंध्य आ सकते हैं, जहां वो रीवा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। लेकिन उनके विंध्य दौरे से पहले संभाग में पार्टी को झटका लगा है। मैहर से पार्टी के विधायक ने नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। क्या हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पीएम के दौरे से पहले बीजेपी में फूट। विंध्य में पार्टी क्यों नहीं रही एकजुट। पीएम मोदी के संभावित दौरे से पहले ही बीजेपी को विंध्य में एक झटका लगा है। मेयर से पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश बनाने का वादा कर लोगों से 30 सीटों पर जिताने की अपील भी करते दिख रहे हैं। विंध्य ही ऐसा संभाग था जहां पर 2018 में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली थी। ऐसे में एक विधायक का बगावती होना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। चुनाव है, पीपुल्स भारत का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेंगे। 18 साल और फिर ये 3.5 साल कोविड महामारी, दुनिया भर के किसानों की आत्महत्याएं, 40 लाख युवाओं का बेरोजगार होना, डीजल पेट्रोल रसोई गैस का महंगा होना, ये सब अब केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा सीट आए। हालांकि ये सच है कि नारायण त्रिपाठी के फैसले से किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले एक साल से वो पार्टी की गाइडलाइन से अलग चल रहे थे। उन्हें कमलनाथ का करीबी भी माना जाता है, इसीलिए ये कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन नई पार्टी बनाकर 30 सीटों पर ताल ठोकने के दावे ने बीजेपी को चौंका दिया है, क्योंकि बीजेपी को नुकसान हो या ना हो, इतना तो तय है कि बिखराव की स्थिति में गलत संदेश जाएगा, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। देखिए, रीवा रीजन मध्य प्रदेश के मुख्य दोनों राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में यहाँ जबरदस्त जीत हासिल की थी, 30 में से 26 सीट जीती थी। लेकिन पुनः 2020 में सत्ता में आने के बाद पार्टी ने या सरकार ने वहाँ जो बैलेंसिंग है अमंग द लीडर्स या वर्कर्स में नहीं बिठा पाई। लेकिन अगर नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बना ली और विंध्य प्रदेश की मांग रख ली, क्योंकि ये प्रदेश स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के पहले भी था। क्योंकि नारायण त्रिपाठी को ब्राह्मणों का चेहरा माना जाता है, इसीलिए बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि विंध्य में ब्राह्मण वोटरों की संख्या ज्यादा है। बात करें विंध्य के सियासी समीकरण की, तो विंध्य के 7 जिलों में 30 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास 24, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। वोट शेयर की बात करें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी को 38.19 और कांग्रेस को 33.25% वोट मिले थे। इसी तरह बीजेपी को कांग्रेस की अपेक्षा 4.94% ज्यादा वोट मिले। विंध्य के वोट शेयर के असली खेल को जानने के लिए इससे भी आगे समझना होगा। 2013 में बीजेपी को 35.82 और कांग्रेस को 30.94% वोट मिले थे। इस तरह दोनों पार्टियों के वोट में 4.88% का अंतर रहा था। इसके आधार पर बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह 2018 में वोट प्रतिशत का अंतर 4.94 और 2013 में 4.88% था। पिछले 10 साल के ट्रेंड को देखें तो पिछले 10 साल में बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़े हैं। उसके बावजूद कांग्रेस को लाभ नहीं मिला। 10 साल के दौरान कांग्रेस के वोट 10.18% बढ़े, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के 4.1% वोट बढ़े, लेकिन कांग्रेस इसका लाभ लेने में सफल नहीं रही। साल 2008 में कांग्रेस को विंध्य में 23.07% वोट मिले थे, जो 2018 में बढ़कर 33.25 हो गए, जबकि 2013 में बीजेपी को 35.82% वोट मिले थे, तो 2018 में बीजेपी के वोट 38.19% हो गए। यानी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के वोट ज्यादा बढ़े, लेकिन सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ। इसकी वजह ये थी कि बीजेपी एकजुट होकर लड़ी थी, जबकि कांग्रेस को बिखराव की वजह से सीटों का फायदा कम हुआ। और इसी ट्रेंड के बलबूते बीजेपी 2023 में जीत की राह देख रही है, लेकिन नारायण त्रिपाठी के तेवर से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, लेकिन ठीक उसके पहले ही बीजेपी में फूट नजर आ रही है। दरअसल
बीजेपी के ही विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य प्रदेश की मांग को तेज कर दिया है और इसको देखते हुए उन्होंने विंध्य क्षेत्र की 30 विधानसभा सीटों पर खुद की पार्टी विंध्य जनता पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही बीजेपी के विधायक की ये बगावत आखिर आने वाले समय में क्या मैसेज देना चाह रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र के जो नेता हैं नारायण त्रिपाठी जो मांग कर रहे हैं कि विंध्य प्रदेश को बनाया जाए और ऐसे में वो 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इसका फर्क भी मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालता है। विजिलेंस अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। विंध्य में 14% ब्राह्मण मतदाता हैं। देश के ब्राह्मण बाहुल्य इलाकों में से एक है। 65% वोटर अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट देते हैं। अगर ये ट्रेंड रहा तो बीजेपी को घाटा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास विंध्य में खोने के लिए कुछ भी नहीं है।